अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, हरियत से हैं। आज मैं आपसे फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर करने लगा। माशाल्लाह जी, बहुत ही आसान रेसिपी है। सर्दियों का मौसम आ गया, मैंने सोचा कि आपके साथ फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर करूं। बहुत ही माशाल्लाह जी आसान रेसिपी है और बहुत ही आसान तरीका है जो आपको बना के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी माशाल्लाह जी, 1 किलो हमारे पास फ़िश है। यह हमने रो फिश ली है, आप कोई सी भी ले सकते हैं, बोनलेस भी ले सकते हैं। हमने कांटे वाली ली है। अभी इसको एक बर्तन में शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह, 1 टीस्पून अजवाइन शामिल कर देंगे सबसे पहले। इसके साथ ही अभी 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून सुरख कुटी हुई मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। इसके साथ ही अभी हम काली मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून चाट मसाला शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त आपको टेस्ट आएगा। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे। इसको हमने कूट लिया, दरदरा कर लिया। इसके साथ ही 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, दरदरा हमने कर लिया। आपने पाउडर नहीं शामिल करना, इससे बहुत ही ज़बरदस्त कलर आएगा, लुक आएगी। इसके साथ ही 2 टेबलस्पून लेमन जूस शामिल कर देंगे। इसके साथ 2 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून जर्दा कलर शामिल कर देंगे, आप लेमन कलर भी शामिल कर सकते हैं। अभी हाथ की मदद से हम अच्छे तरीके से इसको मैरिनेट कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, नहीं जी माशाल्लाह जी, मच्छी को हमने अच्छे तरीके से मसाला लगा लिया है। अभी हम इसको कवर कर देंगे। नहीं जी, इसको हमने अच्छे तरीके से कवर कर दिया। अभी हम इसको फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देंगे। आप ज़्यादा टाइम भी रख सकते हैं, जितना ज़्यादा टाइम रखेंगे उतना टेस्ट आएगा आपको ज़बरदस्त। लेकिन अगर आप 1 घंटे के लिए भी इसको फ्रिज में रखेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। नहीं जी, 1 घंटा हो चुका है, मच्छी को हमने फ्रिज में रखा हुआ था। अभी इसकी हम कोटिंग तैयार कर लेंगे। एक हमने बाउल ले लिए, इसमें भी 2 बड़े वाले चम्मच मैदा शामिल कर देंगे। अगर आपके पास दूसरे चम्मच है तो 4 टेबलस्पून शामिल कर दें। 2 चम्मच मैदा शामिल कर दिया, 2 चम्मच बेसन शामिल कर देंगे, 1 चम्मच। इसके साथ 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। इसके साथ 1/4 टीस्पून लेमन कलर शामिल कर देंगे। अभी हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। लें जी, इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अभी हम फिश फ्राई करने लगे, आपको करके दिखाते हैं। लें जी, अभी हम फिश को कोट कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, इसको दोनों साइडों से हम कोट कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारी मच्छी को कोट करके रख देंगे। नहीं जी माशाल्लाह जी, फिश को हमने अच्छे तरीके से कोटिंग कर ली है। अभी हम इसको 25 मिनट के लिए स्टे देंगे। 25 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। नहीं जी, 25 मिनट हो चुके हैं, अभी हम फ्राई करने लगे। ऑयल को हमने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। अभी हम मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह, आपने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, लो फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं करना, ना हाई फ्लेम पे करना है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको 6 से 7 मिनट फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। नहीं जी, अभी हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है।
इसी तरीके से हम सारी मच्छी को फ्राई कर लेंगे। आप लोगों ने भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना आपको कैसी लगी है। नहीं जी माशाल्लाह जी फिश फ्राई हो चुकी है, अभी हम इसको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह, देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया है। आप लोगों ने भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना आपको कैसी लगी है। देखें जी माशाल्लाह जी कितनी ज़बरदस्त फ़िश फ्राई बनी है। आप लोगों ने भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना आपको कैसी लगी है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।